ये मंथली इनकम एक्सपेंस शीट वैसे सोल्यूशन बहुत आसान है। देखिए इसमें मैंने हर महीने की बनाई है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। यहाँ पर हर महीने कारोबार का एक हिसाब होता है जिसमें उसकी इनकम और एक्सपेंस लिखी जाती है, फिर इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर लिया जाता है, फिर माइनस करने का पता पड़ता है कि भाई अगर इसमें में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हम पहले अपने एक सेक्शन में इनकम लिखेंगे, जिस जिस जराए से हमें हो रही है उसका सम ले लेंगे, और फिर जिस सेक्शन में हम खर्चा करेंगे वो लिखेंगे और फिर उसका सम कर लेंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ से इक्वल करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे एंटर करेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे एंटर करेंगे। इससे क्या हुआ, जो इक्वल करके रेफरेंस किया इस सेल का तो इसकी वैल्यू यहाँ गई और इसका वैल्यू क्या तो इसकी वैल्यू यहाँ गई। वट एवर अब यहाँ पे जो भी वैल्यू अपडेट होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ भी अपडेट होगी, जो यहाँ पर चेंज होगा वो यहाँ अपडेट होगा, जो यहाँ पर चेंज होगा वो यहाँ अपडेट होगा, और जो यहाँ अपडेट होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे क्लिक करके सम करें और यहाँ से टोटल इनकम में से माइनस कर लें टोटल एक्सपेंसेस को और एंटर कर दें, तो कितना बच गया आपका 125,26,500। तो ये आपको पता चला कि मुझे प्रॉफिट हो गया इसके ऊपर, मेरा लॉस भी नहीं हुआ इसके ऊपर और मुझे प्रॉफिट हो गया। अब आते हैं एक रिपोर्ट की तरफ, तो रिपोर्ट में देखिए मैंने किस तरह से सम किया, क्लिक किया यहाँ पर, तो मेरे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के महीनों की रिपोर्ट है, जिसमें जनवरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो जनवरी की रिपोर्ट आ रही है, फरवरी पे क्लिक कर रहा हूँ फरवरी की आ रही है, मार्च पे क्लिक कर रहा हूँ मार्च की आ रही है, मई पे क्लिक कर रहा हूँ मई की आ रही है, और जून पे क्लिक कर रहा हूँ तो जून की आ रही है। सिमिलरली अगर किसी मंथ पे जाना है क्लिक कर रहा हूँ तो जनवरी पे आ गया, एक बटन नहीं आता दोबारा रिपोर्ट पे आ गया, फरवरी पे चला गया फिर रिपोर्ट पे क्लिक किया फिर जून पर चला गया। तो इस तरह सारी शीट्स मैंने बना रखी है। ओके, अब जो नहीं है उसके अंदर वो है जुलाई की नहीं है, तो अब देखें जुलाई की शीट यहाँ मौजूद है बट यहाँ पर रिपोर्ट में वो मौजूद नहीं है। तो पहले तो ये सीखें कि हम यहाँ से जुलाई की शीट पर कैसे जाएंगे। सो हमने यहाँ पर लिखा GOLY जुलाई और लिखने के बाद क्लिक किया इंसर्ट और हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम कहेंगे रिप्लेस दिस डॉक्यूमेंट और यहाँ से लेंगे जुलाई, क्योंकि यहाँ पे जुलाई का टैब यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, नोट डाउन दिस, ठीक है, यहाँ से जुलाई और ओके कर देंगे। तो देखिए लिंक हो गया, क्लिक करेंगे ये देखिए जुलाई पे चले गए, क्लिक किया दोबारा से आ गए हम उस पर रिपोर्ट के ऊपर। तो ये चीज़ आप समझ गए इसको रिमूव कैसे करेंगे, राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से कहेंगे रिमूव हाइपरलिंक, तो लिंक इस पर से खत्म हो जाएगा। सिमिलरली अगस्त से कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे अगस्त की एक एंट्री कर देंगे और AUGST अगस्त, और करने के बाद इसका लिंक करेंगे इंसर्ट एंड देन लिंक एंड देन प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर अगस्त की एंट्री है नहीं या नहीं यहाँ पे, तो आइए अगस्त की एंट्री और जैसे ओके करेंगे तो ये देखिए अगस्त के साथ कनेक्ट हो गया, अगस्त आ गया, सही। अब सवाल ये बताओ सर ये सेप्टेम्बर की शीट कैसे बनेगी, सिंपली अगस्त की शीट पर जाएंगे, इसको ऑलरेडी सेटिंग हुई है, राइट बटन दबाएंगे मोर कॉपी, अगस्त की शीट को सिलेक्ट करेंगे और कहेंगे क्रिएट अ कॉपी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगस्त की शीट की एक और कॉपी बनाएगा, उस पर डबल क्लिक करेंगे, SEP एस कैपिटल लिख रहा हूँ, EP स्मॉल लिख रहा हूँ सेप्टेम्बर, और यहाँ कर देंगे और यहाँ पे कह देंगे कि भाई ये 30 सेप्टेम्बर की शीट है, यहाँ 30 नो कर देंगे, और इनकम वाले सेल के अंदर जो जो इनकम हुई है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, सपोज इनकम हमें इस तरह की हुई, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आ गया और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर 6000 पर जा रहे हैं, 6000 पर जा रहे हैं, 2500 पर जा रहे हैं, 1800 पर जा रहे हैं, ये एक्सपेंसेस आ गए यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे निकल के आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। और जाएंगे अब यहाँ से क्लिक करके रिपोर्ट करके रिपोर्ट पर, तो यहाँ पे देखिए अगस्त की एंट्री भी मौजूद है लेकिन यहाँ पे क्लिक करने पर सितंबर का हिसाब नहीं है और जुलाई का भी नहीं है और अगस्त का भी नहीं आ रहा, और यहाँ पे एक सितंबर की एंट्री नहीं है, तो सितंबर की एंट्री को हमने यहाँ पे एंटर किया, क्लिक किया इंसर्ट एंड देन हाइपरलिंक किया वंस अगेन प्लस इन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हम गए सितंबर पर, तो यहाँ से लिंक तो बन गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर अगस्त और सितंबर का हिसाब नहीं है, तो यहाँ पे कैसे अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है क्योंकि लिस्ट बॉक्स है, तो डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखें अगस्त का जैसे शीट का नाम रखा हुआ है कॉमा लगा के AUGE एंट्री उसी तरह से करेंगे, स्पेलिंग्स का भी ख्याल करना है और सितंबर की भी एंट्री उसी तरह से करनी है, छोटी बड़ी अभी इसका ख्याल करना है, ओके करना है। सो नाउ अब अगस्त पे क्लिक कर रहे हैं तो अगस्त का हिसाब भी आ गया और सितंबर पे क्लिक कर रहे हैं तो सितंबर का हिसाब भी आ गया, ठीक है। ये भी समझ में आ गया किस तरह हमने लिस्ट को अपडेट किया, किस तरह हमने लिस्ट को क्रिएट करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये हिसाब हर शीट का यहाँ कैसे आ रहा है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं नीचे सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखिए हम इनकम निकालनी तो इक्वल क्या, पहले जनवरी वाली शीट पे ही कर लेते, मतलब आप किसी भी एक शीट पे करेंगे फिर चीज़ें उसी शीट की कॉपी होती जा रही है तो ऑटोमेटिकली फार्मूला कॉपी हो जाएगा अगली शीट पर। तो यहाँ से आपने लिया सपोज कभी ये इनकम वाला सेल ले लें, ये वाला इनकम वाला सेल ले लें, वॉट एवर दोनों में फार्मूला अपडेट हो रहा है, तो यहाँ से भी क्लिक करेंगे और चले पहले इसको देख लेते हैं। अब आपने यहाँ पे आके क्या लिखना है, थोड़ा सा फॉर्मूले को स्टडी करने ये लिखना है आपने इसमें, ठीक है ना। जो अभी सेल का रेफरेंस आ रहा है उस सेल के रेफरेंस को आपने क्या करना है, डबल कोट्स पर डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद दो सिंगल कोट्स लगानी है, फिर डबल कोट्स लगानी है, फिर आपने एक सेल का रेफरेंस लेना है जो ये वाला है, फिर एंड साइन लगाना है और इस तरीके से जाके ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब इसको करना है किस तरह से, डबल क्लिक किया यहाँ पर किया गया, तो आपने क्या करना है यहाँ से इसको मिटा देना है और इसको एक डबल कोट में डाल देना है। फिर उसके बाद इधर एक सिंगल कोट लगानी है, फिर उसके अंदर दो डबल कोट लगानी है, फिर उसके अंदर दो एंड साइन लगाने हैं, एंड देन उसके बीच में जाके एक सेल का रेफरेंस लेना है जो कि ये आपका ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब ये पूरा फॉर्मूला करने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन टाइप करना है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्टार्ट ब्रैकेट एंड ओवर ब्रैकेट और एंटर कर देना है, तो सेम वैल्यू उस शीट की इधर आ जाएगी और वो रिफ्लेक्ट करेगी इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे शीट का नाम है, यहाँ से शीट का नाम जैसे सेलेक्ट करके शीट कनेक्ट हो जाएगी उसके शीट के नाम के साथ और फिर उसके अंदर उसी सेल पे से आपको वैल्यू ला के दिखा देगा, चेक कर लें 25,000, ठीक है। सेम एक्सपेंस के लिए करना है, कैसे करेंगे, पहले इक्वल करेंगे, फिर इस सेल का आपने एक्सपेंस वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है एंड देन एंटर, एंड देन क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ चले जाना है, यहाँ पे लगाना है डबल कोट्स एंड देन डबल कोट्स और फिर डबल कोट्स के बाद दो सिंगल कोट, उनके अंदर दो डबल कोट और उनके अंदर दो एंड साइन और उनके अंदर सेल का रेफरेंस है और यहाँ पे जाके लिखेंगे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट फंक्शन का नाम है और ये इसको इस तरह से चेक कर देंगे, जैसे ही एंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंशन है। सेम मेथड के साथ क्या है, सिंपली आपने यहाँ पे करना है सम, तो यहाँ पे सम करेंगे और टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे एक्सपेंस को, ये आपको पता पड़ जाएगा। तो अब हर शीट का आपको पता चल रहा है कि जून में आपकी इनकम ये थी, एक्सपेंस ये था और आपकी नेट इनकम जो है वो जाके बन रही है 3,06,090,000 रुपये, ठीक है। यही से आप जून की शीट पर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये देखेंगे आपको पूरा हिसाब यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम उस पर कैसे जा रहे हैं, इसका भी आसान है। देखिए हमने क्या किया हुआ है, पहली वाली शीट पर शुरू से ही हमने काम कर रखा है और वो काम क्या कर रखा है, हमने इसके ऊपर एक शेप बनाया था और उस शेप को बनाने के बाद हमने क्या किया था, उसको जो भी स्टाइल डिजाइन वगैरह देना था ठीक है वो दे दिया था, उस पर लिख दिया ऐड टेक्स्ट करके रिपोर्ट और उसका फॉन्ट वॉच ऐड करके, क्लिक करके राइट बटन दबाया और उसको किया हमने वही सेम इंसर्ट हाइपरलिंक करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और उसको भेज देंगे हम किसके ऊपर, रिपोर्ट यानी कि इस वाली शीट के ऊपर, सही, और उसको ओके कर देंगे। सो नाउ आप देखिए क्लिक करेंगे आपको, तो ये काम हमने पहली शीट पर पहले से ही करके लिख लिया, ये वाला सारा काम हमने पहले कर लिया था, बस अब इसी की डुप्लीकेट करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं और इस तरह से हमारा काम इजीली होता जा रहा है। समझ में आ गई बात, ये इस तरह से ये मंथली इनकम एक्सपेंस शीट जो है आपकी जनरेट हो जाएगी, ये रिपोर्ट बन गई इसकी, ये रिपोर्ट है, ये पूरी रिपोर्ट है और ये हर शीट का पूरा डेटा आपका इसमें मौजूद है। तो आप हर कारोबार की इस तरह मंथली इनकम शीट बनाएंगे और उसको रिपोर्ट और इसके जरिए दिखा सकते हैं। व्हेनेवर आपसे जब कोई आपका ऑनर कहता है कि भाई मुझे डिटेल्स दिखाओ तो ये लीजिए डिटेल्स, और जब वो कहता है मुझे रिपोर्ट दिखाओ ये रिपोर्ट, अब वो कहता है आपको जनवरी की सेल दिखा तो जनवरी की सेल, वो कहता है मुझे फरवरी की सेल दिखाओ जून की सेल ले लो, इस तरह सारे महीने की शीट्स आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से काम हो,